इतने जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, इनके रंग बदलने से तो गिरगिट भी शर्मा रहा है। सबसे झूठा अगर प्रधानमंत्री हुए तो नरेंद्र मोदी जी हुए। पहले आए थे कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, अब इस देश से गरीबों को ही खत्म करने पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री तो एक वार्ड के चुनाव से भी बदतर हो गए। केवल झूठ बोलकर जनता को बरगलाकर धर्म के आड़ में दंगा करवा करके जाति में विभेद डाल करके अपना उल्लू सिद्ध करना चाहते हैं। कहते थे कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, आज देश का सारा चीज बिक गया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, प्लेटफार्म बिक गया। 2020 चुनाव से पहले कोई भी राष्ट्रीय नेता रोजगार और नौकरी का बात नहीं करता था, लेकिन एकमात्र इस देश का युवा नेता 29 साल के उम्र में देश के प्रधानमंत्री को नौकरी के मुद्दे पर ला करके ढकेल दिया। चिराग पासवान में कोई दम है नहीं, घर के विवाद में फंसे हुए हैं, लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और पासवान से उनको क्या होता है, वो हनुमान बने हैं। बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश का इतिहास बदलता है। अब की बार बिहार अंगड़ाई ले चुका है और भाजपा की सरकार को बिहार से उखाड़ करके फेंक देगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो राजद प्रदेश कार्यालय में है। आज रोहतास से 150 से 200 लोग जो है राजद में शामिल हुए हैं। चलिए इनसे पूछेंगे कि आखिर अपनी राजनीति के लिए इन्होंने राजद को ही क्यों चुना, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है पार्टी को कितनी मजबूती प्रदान करेंगे। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? शिवशंकर सिंह कुशवाहा। तो राजनीति के लिए राजद को ही क्यों चुना, अन्य पार्टियां क्यों नहीं? अभी देश में जो मौजूदा हालात है उसके मुकाबला के लिए RJD ही सक्षम है, इसके अलावा कोई पार्टी में उतना दम नहीं है। जो मौजूदा जो परिस्थिति है, जो जनता त्रस्त है, पस्त है, निराश है, इससे अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, और जो प्रदेश के जो डिप्टी CM हैं जिसके नेतृत्व में भी चुनाव हो रहा है, तेजस्वी यादव जी, वही मुक्ति दिला सकते हैं। वही देश के आस है, अरमान है, बिहार के भी वही आस और अरमान है। इसीलिए हम जो है विश्वास के साथ राजद के जो राजद में आज हम लोग मिले हैं। आप कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है, BJP कह रही है कि जनता तो मस्त है, मुफ्त राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि देखिए भाजपा और भाजपा के जो पायलट हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी, अब तक आज़ादी से लेकर के ऐसा कोई प्रधानमंत्री अजूबा प्रधानमंत्री विफलता में अजूबा प्रधानमंत्री है ना, अजूबा प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं ठीक उसके उल्टा करते हैं। तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं सर, क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा, उनका वादा था कि हमारी सरकार बनती है तो 2 करोड़ हम नौकरी देंगे प्रति वर्ष, हमारी सरकार बनती है तो किसानों का आय जो है हम दोगुना करेंगे, हमारी सरकार बनती है तो देश में जो है वो स्मार्ट सिटी लगाएंगे, हम विश्वविद्यालय खोलेंगे, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। जब 400 रुपये सिलेंडर था तो उनके एक आज वर्तमान में जो मंत्री हैं केंद्र में, वो सिलेंडर का पार पर लेकर घूमती थी कि देखिए जो है गैस का क्या हाल है। 400 रुपये था तो महंगा था, आज 1200 रुपये है तो महंगा नहीं है। इस तरह से निजीकरण के सवाल, कहते थे कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, आज देश का सारा चीज़ बिक गया, रेल बिक गया, भेल बिक गया, प्लेटफार्म बिक गया, मतलब पताल से कोयला बिक गया, पताल से लेकर के आकाश तक से सारा का सारा चीज़ जो है बिक गया, कोई बाकी नहीं है। आप नौकरी की बात कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हमने आत्मनिर्भर तो बनाया ना, नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बना रहे हैं। अब देखिए कि इनके सरकार में हजारों कंपनियां जो है, सर्वे बताता है भारत सरकार का, हजारों हजार जब कंपनियां बंद हो गई तो नौकरी कहां से मिलेगा? इनका नौकरी है कि आप मेहनत मजबूरी करके अगर भूख से मर रहे हैं तो रोड पर चिनिया बादाम बेचिए, पकौड़ी बेचिए, हैं इस तरह, इसको ये नौकरी मानते हैं। और आप बोल रही हैं कि कहते हैं कि अनाज देंगे, ये बात बताइए कि 5 किलो अनाज
5 किलो अनाज से आदमी पढ़ सकता है, दवा कर सकता है, घर का शादी ब्याह कर सकता है, क्या कर सकता है 5 किलो अनाज जिसके घर में मिलता है? बीमारी तो होगी, अगर आदमी है तो उसका तो तबीयत खराब होगा, तबीयत तो खराब होगा। ये बताइए कि 5 किलो अनाज हम चाहते हैं कि देश का लोग आत्मनिर्भर बने, अपने से जो है सारा काम, कल कारखाना खोले, उद्योग खुले, नौकरी मिले, सम्मानित तरीका से जो है नौकरी मिले। इनके राज में तो छटनी हो रहा है, पेंशन खत्म हो गया ना, सारा चीज खत्म हो गया। हमारे राज्य में कोरोना वायरस भी तो आया, तो हमने देखिए तो उबार दिया देश को। एक बात बताइए, कोरोना में, खास तौर से कोरोना में ये सरकार कितने विफल रही है, जो यहाँ के मजदूर जो दूसरे राज्यों में गए थे, साउथ में गए थे, चाहे विभिन्न जगह गए थे, कितने लोग रास्ता में आते समय जो है जान दे दिए। एक बच्चा आप सुनी होंगी कि एक व्यक्ति का मर गया था बच्चा, लेकिन बीबी से कह नहीं रहा था कि मेरे बच्चा मरा हुआ है, ये सारा फोटो आया था। बहुत से आपके जैसे बच्ची जो एक थी, जो आप समझिए कि पंजाब से या कहीं से दूसरे जगह से साइकिल से आई थी, पूरा का पूरा कोरोना में जो है फेल है। अब ये बताइए, और सबसे तो बात है कि जिस कोरोना की जो बात करते हैं, जो कोरोना की जो कंपनी ने दावा बनाया, उस कंपनी से पैसा लिए, इसके पहले भी सरकार थी, बहुत सा चेचक का टीका, विभिन्न प्रकार का था, लेकिन ये नहीं। हम लोगों ने सुन रहा है जो वैज्ञानिक परीक्षण हुआ है, हैं कि वो उस दावा को लेने से देश के लोगों का में जो हार्ट अटैक हुए, बीपी जो है, खून जम रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है, ये बोल रहा है। आज राजद ज्वाइन किए हैं तो सिर्फ खराबी ही खूबी नहीं बताइएगा बीजेपी की। बीजेपी ने G20 करवाया, देश को 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था के मामले पर लेकर गई। बीजेपी तो कह रही है हमने बहुत कुछ किया। कैसे लेकर के चला गया, ये बात बताइए। तो कह रही है ना। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आम जनता की हालात से आप देखिए, उसके चेहरा को देख के देखिए कि क्या हालात है। बहुत से ऐसे परिवार है, गरीब है, जो पैसा के अभाव में शादी नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं रहा है, स्कूल का इतना फीस बढ़ रहा है, 1 करोड़ रुपया होगा तो जाकर के आपको MBBS की डिग्री मिलेगी, डेढ़ लाख रुपया होगा तो आपके इंजीनियरिंग में 1 साल का फीस है। ये स्थिति है, एक कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं खुला इस सरकार में, केवल जुमला की सरकार है। तेजस्वी जी आ जाते हैं तो नौकरी पक्की है युवाओं के लिए। तेजस्वी जी आते हैं तो नौकरी पक्की इसलिए है कि इसके पूर्व में तेजस्वी जी के घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी जी के सरकार किसी तिकड़म से नहीं, 17 महीने की सरकार रही, और 17 महीने के सरकार में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी दे करके यह साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं बिहार के, रोड शो करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आज बिहार के जन जन के आवाज, युवाओं के धड़कन और नौकरी रोजगार के देने वाले मसीहा तेजस्वी यादव का बिहार में आज ऐसा प्रभाव है कि प्रधानमंत्री जी को रोड शो गली गली घूमने पर मजबूर कर दिए। उनका प्रभाव है। देखिए, 2020 चुनाव से पहले कोई भी राष्ट्रीय नेता रोजगार और नौकरी का बात नहीं करता था, लेकिन एकमात्र इस देश का युवा नेता 29 साल के उम्र में देश के प्रधानमंत्री को नौकरी के मुद्दे पर ला करके ढकेल दिया। आज नौकरी और रोजगार की बात करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री भी मजबूर हो गए हैं। यहाँ रोड शो करने से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश का इतिहास बदलता है। अब की बार बिहार अंगड़ाई ले चुका है और भाजपा की सरकार को बिहार से उखाड़ करके फेंक देगी। इनको एक एक सीट के लिए बिहार में तरसना होगा, एक एक सीट के लिए तरसना होगा। क्या कहिएगा, आ रहे हैं प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए? 2 दिन के लिए आ रहे हैं, ये कोई नई बात है। दो शो करेंगे। प्रधानमंत्री तो एक वार्ड के चुनाव से भी बदतर हो गए हैं। क्या बात कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तीसरी बार पारी खेलने वाले एकदम आत्मविश्वास के साथ हैं। प्रधानमंत्री जितना दौड़ा करते हैं, इनसे प्रधानमंत्री पहले बहुत सा हुए, आप देखी होगी कभी, ये तो वार्ड से भी बदतर हो गए हैं। सारे प्रधानमंत्री के जो पद का गरिमा होता है सारे खत्म कर दिए, पद को गरिमा को 1% भी नहीं रखे हैं।
ये कहते हैं बहुत कुछ किए हैं, का किए हैं। आपकी पार्टी पे ही आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, वो क्या करेंगे? आरोपे ना लगाएंगे, जिसको नहीं कुछ करना है वो आरोपे लगाते हैं ना। कुछ किए हैं हमारे देश के लिए, कुछ का किए हैं, कुछ नहीं किए। जो पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप होता है, उसके बीच में कहीं नहीं लगता कि जनता पीस के रह जाती है? देखिए प्रधानमंत्री जी, आप आरक्षण की बात की ना है, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट हाउस से कहते हैं मैं किसी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन यही प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव से पहले किसी एक विशेष वर्ग को, जिसकी आबादी देश में मात्र 15% है, उनको 10% आरक्षण देकर के जो EBC आरक्षण दिए, आज उससे OBC पिछड़ा दलित की जो हालात पैदा हुआ है, हमारा बच्चा का कट ऑफ मार्क 80 आता है और उनके 60% कट ऑफ मार्क के बच्चे का नौकरी होता है, ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। इनके रंग बदलने से तो गिरगिट भी शर्मा रहा है, गिरगिट भी शर्मा जा रहा है कि इतना ही रंग बदलते हैं। और सच कहें नेताजी, इनकी सबसे पहली यही प्राथमिकता है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। इस देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे उसके शिफ्ट उल्टा कहेंगे। ये पहले आए थे कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, अब इस देश से गरीबों को ही खत्म करने पर लगे हुए हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उस दिन पूरा देश खत्म हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश पासवान हुआ। हाँ, मैं पूर्व LGP का रोहतास जिले का उपाध्यक्ष हूँ और चौहरमण मोर्चा का अभी वर्तमान अध्यक्ष हूँ। मैं अभी तक जो प्रधानमंत्री जितने गंभीर देखे हैं उसमें सबसे हल्का यही प्रधानमंत्री दिखाई दिए मोदी जी, जो कि महिलाओं की मंगलसूत्र की बात करना, गाय गंगा और दंगा की बात करना, अब तक के सबसे मजबूत किरदार प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री है, दंगा बजता है, ताली बजाते हैं और थाली बजवाते हैं। देखिए जनता को मूर्ख बना करके ताली बजवाते हैं और थाली बजवाते हैं। कोरोना थाली पीटने से कोरोना भाग जाएगा, यही इनके सबसे जुमला, सबसे झूठा। अगर प्रधानमंत्री हुए तो नरेंद्र मोदी जी हुए, इसलिए केवल झूठ बोलकर जनता को बरगलाकर धर्म के आड़ में दंगा करवा करके जाति में विभेद डाल करके अपना उल्लू सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे मंत्री को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। एक नेता है चिराग पासवान, आपने पासवान? मेरे चिराग पासवान नहीं है, पासवान का जिक्र किया तो। अरे रामविलास पासवान थे उस समय, रामविलास पासवान गोधरा कांड में लेकर के मोदी की जांग थरथराती थी। आज चिराग पासवान हनुमान बने हुए हैं, तो हनुमान बने हुए ऐसे हनुमान को हम लोग नहीं पसंद करते हैं ना। हनुमान बने हैं, बहुत से पासवान जाग चुके हैं। अंबेडकर के बने हुए संविधान को छेड़छाड़ करना, उनको क्या जानकारी है? क्या हम लोग शिक्षित हैं, जानते हैं कि अंबेडकर जी के संविधान को छेड़छाड़ करने वाले और जगहों का नाम बदलने वाले, अपने उल्लू सिद्ध करने के लिए झूठा जुमलाबाजी करने वाले शुरू से राजद पार्टी में थे, उससे पहले किसी और पार्टी में नहीं। हम रामविलास जीवित थे तो हम लोजपा के जिला उपाध्यक्ष थे। लोजपा से आप राजद में आ गए? हाँ, राजद में आ गए। रामविलास मर गए, हम पार्टी छोड़ दिए। चिराग पासवान में कोई दम है नहीं, घर के विवाद में फंसे हुए हैं, लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और पासवान से उनको क्या होता है? वो हनुमान बने हैं, अपना घर संभालिए, पहलू अपने घर संभालें, इसके बाद में कुछ होगा। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे और अभी जो है राजद में आए हैं। अब सोचना ये है कि इनके आने से राजद को कितनी मजबूती मिलेगी, और जो नाराजगी है मोदी के प्रति उन्होंने खुल करके इस पे कहा। बाकी आपकी क्या राय थी आप हमें जरूर बताइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।